Welcome student, today we will study about India's size and location, chapter 1 from geography. ये chapter 1 हम मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, but कई बच्चों ने कहा था मैम हमको थोड़ा सा मैप वर्क इसमें क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए इसको मैं ओनली मैप वर्क ही आपको आज कराऊंगी. क्लियर. इसमें देखिए चैप्टर ये 1 के इसमें पेज नंबर 1 में ही आपका ये एक मैप दिया है, वर्ड मैप दिया है. इसमें कुछ लाइनें खींची हुई हैं, कुछ हॉरिजेंटल एंड कुछ वर्टिकल लाइंस हैं. पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड. लैटिट्यूड को हम लोग लेटी हुई लाइन से भी याद कर सकते हैं, लेटी हुई लाइंस. और कुछ आपकी वर्टिकल्स लाइन दी गई हैं, है ना. ये वर्टिकल लाइंस कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग है. क्लियर. तो ये मैप में पूरा दिया गया है. तो ऐसी ही एक इमेजिनरी लाइन बिल्कुल हमारे जो वर्ल्ड का जो ये हमारा मैप है इसके बीचों बीच में है, इक्वेटर कहलाती है. और ये 0 डिग्री इक्वेटर है. जो सेकंड जो लाइन है हमारी, ये भी वर्ल्ड को मैप को डबल इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. ये करती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. और ये हमारी करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में. तो हम लोग देखेंगे इंडिया की पोजीशन ऑन वर्ल्ड मैप में. तो इंडिया अगर लैंड मास में देखा जाए तो 7th पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड में. और इसका जो एरिया है, जो लैंड मास है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो 2.4% है पूरा वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया वाइज. और लैंड मास में जो सबसे ज़्यादा लैंड मास कौन सी कंट्री के पास है, वो है रशिया के पास, फिर चाइना के पास, देन यूएसए के पास. क्लियर. अब अगर हम लोग इंडिया की पोजीशन देखें इस मैप में, तो इंडिया अगर हम लोग देखते हैं, अगर तो इंडिया यहाँ पर है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. तो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लाइज करती हैं बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस में. क्लियर. और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं हमारी, ये यूज़ की जाती हैं किसी भी प्लेस का लोकेशन जानने के लिए. नाउ कम्स टू इंडियाज़ मैप. इसमें हम देखेंगे जो हमारा 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है हमारे यहाँ पर दिस, एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड ये हमारा एक्सटेंड है इंडिया का. ये नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है हमारा. और नेक्स्ट जो है हमारा वेस्ट में, यह है 68.7 डिग्री और ईस्ट में है हमारा 97.25 डिग्री ईस्ट. तो ये लॉन्गिट्यूड है हमारा. तो ये हमारा जो इंडिया का जो एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में बताया गया है. नेक्स्ट जो है हमारा जो स्ट्रेच है, ये दिस इज़ योर नॉर्दर्न टिप, दिस इज़ योर सदर्न टिप. तो नॉर्थ से लेके जो साउथ का जो हमारा स्ट्रेच है इंडिया का, वो है 3,214 किलोमीटर. यहाँ हमारा क्या है, लद्दाख है, और यहाँ हमारा कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में आता है. और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला स्ट्रेच है, वो हमारा स्ट्रेच है 2,933 किलोमीटर. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक लाइन जो है और इस मैप में पास हो रही है, जो मिड में दिस, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा है 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड. और ये जो लाइन है हमारी, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दिस वन एंड दिस वन. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी 8 स्टेट से होकर गुजरती हैं,
वो स्टेट्स हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। एक लाइन और शो कर रही है हमारे मैप में, अगर आप देखें दिस वन, ये है हमारी 82 डिग्री पॉइंट 30, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है ये वाली, ये भी इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में, वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रही है। और इस लाइन का जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली, वो इंडिया का जो टाइम है यहाँ से मिर्ज़ापुर यूपी से वो नोट किया जाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर सनराइज़ ईस्ट से होता है, जो सनराइज़ होता है वो हमारे ईस्ट से होता है, अगर सनराइज़ यहाँ पर सपोज़ मानती हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश में 6 o'clock होता है, तो यहाँ गुजरात में यही सनराइज़ जो होगा वो अराउंड 8 o'clock होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस है सनराइज़ को, जो सन को यहाँ से यहाँ तक आने में 2 hours का टाइम लग जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोग अपने अपने टाइम सेट करेंगे तो पूरे इंडिया में टाइम्स का बड़ा कन्फ्यूज़न सा क्रिएट रहेगा। तो इसके लिए हमने के स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को, इमेजिनरी लाइन को खींचा है और यहाँ से हम लोग अपना टाइम को पूरे देश में नोट करते हैं। तो इससे 1 आज का दोनों जगह डिफरेंस आता है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमारी 6 states से होकर गुजरती है। वो हमारे जो 6 जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, इंडिया की कोस्ट लाइन की। तो कोस्ट लाइन वो लाइन होती है जो हमारे सी के, ये वाली लाइन है जो सी से बनी हुई हैं, जो सी के पास पास के जो एरिया हैं ये हमारे कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन है हमारी 7,516 किलोमीटर। क्लियर। और उसके बाद जो हमारी लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जो हम लोग अदर्स जो नेबरिंग कंट्री है हमारी उनसे शेयर्स करते हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। क्लियर। ये है हमारी 15,200 किलोमीटर। इसमें बच्चा थोड़ा क्लियर नहीं लिखा जा रहा, मुझसे हाथ से लिख रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलिए, ये वाली जो हमारी, ये है हमारी लैंड बाउंड्री। और जैसे मैंने आपको बताया ही था, जो हमारा टोटल है, टोटल मास लैंड जो है हमारा, वो करीबन था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा, अगर आप देखेंगे तो हमारे को आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर। दिस इज़ योर अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है, और ये हमारा लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में आता है समवेयर। एक यहाँ पर, इसमें मेरा अभी ड्रॉ नहीं हो रहा, एक इंदिरा पॉइंट और था यहाँ नीचे जो हमारा एंड पॉइंट था, बट वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से वो सी में ही मर्ज्ड हो गया।